बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा सदमा फिलहाल सलमान खान को लग गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की कैद में है सलमान खान पूरी तरह से लॉकडाउन, और अपने घर परिवार के साथ वो जहां एक तरफ लॉकडाउन कैद हैं कमरे में, तो वहीं फार्म में कैद सलमान खान को बड़ा सदमा लगा है। उनके भतीजे, उनके नेफ्यू अब नहीं रहे 38 साल के अब्दुल्ला खान के निधन की खबर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर तमाम बड़े सितारों ने शोक जताते हुए सदमे में संदेश दिया है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और श्रद्धांजलि देते हुए इसमें नाम देजे शाह, यूरिया वंतूर से लेकर डायना और तो और बिग बॉस सीजन 13 के विनर सलमान खान के बेहद करीबी सिद्धार्थ शुक्ला का भी शुमार है। जी हाँ, उनके भी बेहद करीब थे सिद्धार्थ शुक्ला, ये सभी जानते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला भी फिटनेस फ्रीक रहे हैं और रियल स्ट्रॉन्ग को लेकर हमेशा अब्दुल्ला खान का हमेशा तारीफ ही किया गया है। देखिए ज़रा किस तरह से लोगों ने दुख जताया है। चाइना पेंटी ने लिखा, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। द रियल सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। अब्बा भाई वॉज अ रियल गुड मैन। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। कॉन्डोलेंस टू यू एंड योर फैमिली सलमान भाई। सलमान भाई के लिए, यानी कि सलमान खान के लिए उनका दर्द बांटते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करीबी दोस्त यानी कि भाई जैसे अब्दुल्ला खान के निधन पर उनकी तारीफ करते हुए, उनकी ईश्वर आत्मा को शांति दे इसकी दुआ करते हुए, कॉन्डोलेंस प्रे करते हुए दुख जताया है। इसमें एक नाम तो सिद्धार्थ शुक्ला का हमने आपको बताया ही, और भी कुछ नाम हैं जिनके बारे में हम बात ज़रूर करना चाहेंगे। आकांक्षा कह रही हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब नहीं हैं, बहुत जल्दी चले गए, ये बहुत बुरा हुआ है। सलमान खान के पोस्ट पर लोगों ने इस तरह से अपना दुख व्यक्त किया है। बता दें हम आपको, इसमें नाम और भी है शुमार। देखिए ज़रा यहाँ पर कुछ और भी हैं जो कि दुख जताते नज़र आए हैं अब्दुल्ला खान के निधन पर, खान परिवार जो बेहद सदमे में है। कमाल खान ने भी लिखा, यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एंड लव्ड अब्दुल्ला खान। तो गुरमीत चड्ढा ने कहा, OMG व्हाट हैपेंड टू माय फ्रेंड। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि गुरमीत के बहुत करीब थे। वहबीज डोराबजी टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ने भी लिखा, ये सच है, यकीन नहीं होता। शारवाले ने लिखा, इन्ना इल्लाही व इन्ना इल्लाही राजिऊन, वेरी सैड। इसी तरह से करणवीर बोहरा ने भी दुख जताया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।